काफी टाइम से प्रोजेक्टर्स में कुछ नया और बवाल नहीं हो रहा था, बट वी हैव समथिंग बड़ा बवाल, दिस, वो भी अंडर 20,000, नाना 19,000, यस 18999 इसकी प्राइसिंग है। सो दिस प्रोजेक्टर कम्स फ्रॉम अ वेरी आइकॉनिक ब्रांड, द पिक्सपैक जापान नियो, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, द टेक, आउटलुक जैसे बड़े न्यूज ब्लॉग बोल रहे हैं। तो इन सभी ब्लॉग्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेक कर लेना। एंड अगर यूजर रिव्यूज पे जाना है तो गूगल रिव्यूज चेक कर लो, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वेल, ये है पिक्सपैक नियो और ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्टर है जो अंडर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें दे रहा है जो कोई नहीं दे रहा। द वेरी फर्स्ट थिंग, एनक्लोज्ड कैप्सूल इंजन। तो अभी तक क्या हो रहा था कि प्रोजेक्टर को थोड़े टाइम यूज करने के बाद उसमें डस्ट आनी शुरू हो जाती थी और स्क्रीन पे डस्ट के पार्टिकल्स दिखते थे, बट ये फुल्ली एनक्लोज्ड कैप्सूल इंजन के साथ आता है तो डस्ट का चक्कर ही खत्म। सेकंड थिंग, अंडर 20,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको मैनुअल फोकस या ज्यादा से ज्यादा रिमोट फोकस मिल जा रहा था, लेकिन इसमें आपको जायरोस्कोपिक फोकस के साथ जायरोस्कोपिक कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन सेंस, ऑटो पिक्चर अलाइन जैसे फीचर मिल रहे हैं। मतलब आपको रिमोट या फिर मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद से सेंस करेगा एंड बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड पिक्चर क्वालिटी आपको देगा विद प्रॉपर फ्रेमिंग। नंबर थ्री, अभी तक जितने प्रोजेक्टर देखने को मिल रहे थे वो 1GB, 16GB, 1GB, 32GB तक तो देखने को मिल रहे थे, बट दिस कम्स विद 2GB, 32GB स्टोरेज, सीरियसली। और इतना ही नहीं, इसमें आपको ऑडियो के साथ भी कुछ चीजें डिफरेंट मिल रही है, लाइक HDMI, ARC, एडेप्टिव वॉल्यूम कंट्रोल, AVC। तो AVC में आपको मैनुअल ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप इसको सीलिंग माउंट कर रहे हो तो अलग तरीके की ऑप्टिमाइज्ड ऑडियो क्वालिटी देगा, और अगर आप इसको इस तरीके से डेस्क माउंट कर रहे हो तो वहां पे ऑडियो क्वालिटी अलग होगी। एंड दिस टाइम प्रोसेसर भी अपग्रेडेड है, हाई सिलिकॉन क्वाड कोर CPU मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ MediaTek के प्रोसेसर्स देखते आ रहे थे, बट दिस टाइम हाई सिलिकॉन, अगर नहीं पता है तो जाके गूगल सर्च कर लो, यू विल गेट टू नो कि कितना पावरफुल है। सो मैं अनबॉक्सिंग करके कोई बोर नहीं करूंगा, सीधा बॉक्स कंटेंट बता देता हूं कि एक प्रोजेक्टर, एक रिमोट, पावर कोर्ड, HDMI केबल, AV केबल, दो रेड एंड ब्लू चश्मे जो कि किसी काम के नहीं, एंड दैट्स इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन काफी रिफ्रेशिंग है, आपको ये मेटेलिक मैच लग रहा होगा, हालांकि ये मेटेलिक नहीं है बट मेटेलिक फिनिश के साथ आता है, एंड इसके लुक्स को ये बहुत ज्यादा एनहांस कर रहा है। टॉप साइड पे आपको पिक्सपैक की ब्रांडिंग, सेंटर में एक पावर की, सिर्फ एक ही फिजिकल की है, जिसके अराउंड आपको एक रिंग लाइट मिलती है, ऑफ होने पे रेड एंड ऑन होने पे व्हाइट। फ्रंट पे आपको एक बड़ा प्रोजेक्टर लेंस मिल रहा है, उसके बाद IR रिसीवर, एंड देन यहाँ पे आपको एक सेंसर मिल रहा है फॉर ऑटो फोकस एंड ऑटो कीस्टोन। इसके बाद एक साइड पे टिक टैक रिमूवेबल फिल्टर है, हालांकि एनक्लोज्ड कैप्सूल इंजन के साथ आता है, लेकिन डस्ट को बाहर ही रोक लो जिससे इसमें ना भरे, क्योंकि एयर का फ्लो तो चलना ही है। और दूसरी साइड पे कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, लैन पोर्ट, दो USB, एक HDMI, एक AV और एक हेडफोन जैक आउटपुट। इसके साथ आप अपने होम थिएटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, बाय द वे इसमें और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, आगे बताऊंगा। एंड देन यहाँ पे पावर इनपोर्ट, और बीच में आपको एयर आउटटेक ग्रिल मिल रही है, जहां से आपको भी पता है गर्म हवाएं निकल। इसके बाद बॉटम पे एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू, सेंटर में ट्राइपोड के लिए मोनोपोर्ट, और बाकी अगर सीलिंग माउंटिंग करना है तो चारों रबर पैड्स को हटा के आप सीलिंग माउंट कर सकते हो। लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में एकदम रिफ्रेशिंग एंड स्ट्रॉन्ग, बाकी एक नंबर। तो इसके स्पेक्स एंड फीचर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पिक्चर क्वालिटी। तो इस प्रोजेक्टर में इंटरनली 1080p नेटिव रिजोल्यूशन वाला 5.8 इंचेस का LCD स्क्रीन यूज किया है, जो कि 16.7 मिलियन कलर रिप्रोड्यूस करता है, 260 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लाइट सोर्स यहाँ पे LED है जो कि 8500 की लूमेंस ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, एंड पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए विविड सिनेमा 2.0 इंटीग्रेट किया गया है विद माली 450MP GPU, एंड नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 120 इंचेस का स्क्रीन मैंने सेट किया हुआ है, एंड लुक एट द पिक्चर क्वालिटी। मैंने इसके साथ फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स पेयर किया है, यहाँ पे 4K रिजोल्यूशन मिल रहा है, एंड अब चाहे ब्राइटनेस हो, कलर्स हो, कॉन्ट्रास्ट हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बहुत प्रॉपरली बैलेंस्ड है, एंड यहाँ पे पंची कलर्स के साथ आपको डीप ब्लैक्स का एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्टर में जो लेंस यूज किया गया है वो काफी हाई क्वालिटी का है, प्लस कॉर्नर ब्लर जैसी भी कोई दिक्कत नहीं है, अंटिल अनलेस अगर आप इसको टेढ़ा वेढ़ा रखोगे तो दिक्कत आ सकती है, अगर सेंटर में रखा है तो क्वालिटी एक नंबर। अब यहाँ पे मैंने मोशन ब्लर का भी टेस्ट इस पे अप्लाई किया, क्योंकि ब्रांड बोल रहा था कि ट्रू 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एंड काफी फास्ट मूविंग सीन्स भी स्मूथली रन हो रहे थे, कोई मोशन ब्लर नहीं आ रहा था और ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप्स। तो इस प्रोजेक्टर का जो थ्रो रेशो है वो है 1.2, यानी कि 10 फीट की दूरी से 120 इंच का स्क्रीन ये बना दे रहा है। जो इसके अंदर आपको लैंप मिल रहा है वो 40,000 आर की लैंप लाइफ के साथ आता है, यानी कि अगर आप डेली 6-8 घंटे भी देखोगे तो 5-6 साल कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन लैंप लाइफ को एश्योर करने के लिए ब्रांड आपको 3 साल की लैंप पर वारंटी दे रहा है। कंप्लीट प्रोजेक्टर की 1 साल की है, लेकिन जो LED लैंप है उस पे आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, वो भी डोर स्टेप। बट अगेन बैक टू द पिक्चर क्वालिटी, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको जायरोस्कोपिक कीस्टोन, जायरोस्कोपिक फोकस प्लस ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन जैसे फीचर मिल रहे हैं, एंड रिमोट की भी जरूरत नहीं। वेल, रिमोट पे आपको मैनुअल फोकस के की दिए हैं, प्लस अगर आप मैनुअली 4D कीस्टोन करना चाहते हो वो भी है, बट अगर ऑटो कीस्टोन, ऑटो फोकस और जायरो बेस्ड सिस्टम मिल रहा है, लेट मी शो यू। प्रोजेक्टर को जैसे ही स्क्रीन के आप सामने रखते हो ये ऑटो सेंस करता है कि स्क्रीन का साइज क्या है, प्रोजेक्टर स्ट्रेट रखा है या इंक्लाइंड या फिर थोड़ा बहुत साइड में रखा है। इसके बाद स्क्वायर पिक्सल्स को स्क्रीन पे थ्रो करता है एंड देन अपने कैमरास के थ्रू सेंस करता है, एंड विद इन 3-4 सेकंड आपको इस टाइप की शार्पर पिक्चर क्वालिटी देता है। तो और क्या ही चाहिए। तो ये तो 120 इंचेस का स्क्रीन है, मैक्सिमम ये 300 इंचेस तक जा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अप टू
250 इंचेस तक आपको बेस्ट क्वालिटी ये देगा। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैंने पिक्चर सेक्शन में मिस कर दी वो है पिक्चर कस्टमाइजेशन। तो पिक्चर कस्टमाइजेशन आजकल ज्यादातर प्रोजेक्टर्स में देखने को मिल रहा है, इसमें भी है, बट अगेन कुछ चीजें डिफरेंट है। लाइक इसमें आपको NR मिल रहा है, यानी कि नॉइज रिडक्शन, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एंड काफी सारी चीजें जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही है, इसके साथ आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा एनहेंस प्लस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई सही वर्ड है ना। एंड जो लोग PS या Xbox कंसोल यूज करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट चीज है, क्योंकि ट्रू 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो गेमिंग टाइप भी आप एकदम मस्त मक्खन कर सकते हो। तो पिक्चर क्वालिटी को अगर ओवरऑल समराइज करूं तो ब्राइटनेस से लेके कॉन्ट्रास्ट तक एंड सैचुरेशन से लेके शार्पनेस तक सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर मिलता है। एंड हाँ, एक चीज ब्राइटनेस को लेके आजकल काफी ज्यादा चल रहा है कि 11,000, 12,000, 13,000 लूमन्स, सब बकवास है। इवन यहाँ पे जो 8500 या 9000 की लूमन्स ब्राइटनेस बोली जाती है, ये भी पीक ब्राइटनेस होती है जो कि किसी सर्टेन सिनेरियो में काम करती है। एंड अगर रियलिटी में आप 11,000, 12,000, 13,000 की ब्राइटनेस देखोगे, आंखें फट जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा एक सजेशन है कि 11,000, 12,000, 13,000 की लूमन्स ब्राइटनेस देख के बिल्कुल फैसिनेट नहीं होने का, क्योंकि वो डिजिट सिर्फ मैनिपुलेट करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, विच इज साउंड क्वालिटी। वेल, इस प्रोजेक्टर में साउंड को लेके भी काफी सारी चीजों को एनहेंस एंड ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। इनबिल्ट 10 वोल्ट के स्पीकर्स मिल रहे हैं अलोंग विद ब्लूटूथ 5.0, HDMI, ARC, SPDIF पोर्ट प्लस USB ऑडियो आउटपुट। तो ये इंडिया का पहला प्रोजेक्टर है जो USB ऑडियो आउटपुट दे रहा है। अगर आपके पास कोई USB हेडफोन्स है, लाइक मेरे पास ये USB डोंगल वाले हेडफोन है, डोंगल यहाँ पे लगाया और हेडफोन्स चालू। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे 6 इक्वलाइजर के प्रीसेट मिल रहे हैं प्लस 3 डिफरेंट सराउंड मोड, जिसमें आपको काफी लंबी चौड़ी सेटिंग मिल रही है जो आप चाहे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड सराउंड का एक्सपीरियंस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो मतलब EQ भी प्रॉपर काम कर रहा है प्लस सराउंड मोड्स भी मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज और बची है, विच इज एडेप्टिव वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि अगर आप इसको डेस्क या सीलिंग पे माउंट कर रहे हो तो वहां के भी आपको मैनुअल ऑप्शन मिलते हैं, प्लस ये खुद से भी अडेप्ट करता है एंड उसी तरीके की आपको बैलेंस्ड ऑडियो प्रोवाइड करता है अगर आप इसके इनबिल्ट स्पीकर्स यूज कर रहे हो। तो सिंपल तो ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा बैलेंस्ड, क्रिस्प होने के साथ साथ लाउड है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 के साथ आता है, हाई सिलिकॉन क्वाड कोर CPU, माली 450MP GPU, 2GB रैम, 32GB की स्टोरेज, 140 वोल्ट इसका टोटल पावर कंजप्शन। एंड इसका जो UI है वो काफी ज्यादा क्लीन प्लस रिकमेंडेशन एंड सजेशंस देता है जिस टाइप का आप कंटेंट देख रहे हो। एप्स को डाउनलोड करने के लिए इसका अपना एप स्टोर भी है प्लस गूगल प्ले स्टोर भी है, तो सभी एप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जो एप्स रिमोट के साथ नहीं कंपेटेबल है वो आप USB के साथ किसी माउस के कीबोर्ड को अटैच करके भी यूज कर सकते हो। बट इस प्रोजेक्टर में भी आपको वाइडवाइन L3 लाइसेंस ही मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम 576p तक का ही आप OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट देख सकते हो, लाइक Amazon Prime, Netflix, जो पेड प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप YouTube देख रहे हो, Disney Hotstar या फिर Voot, इस टाइप का कंटेंट आपको 1080p में इजीली मिल जाता है। अब काफी लोग इसके साथ मीराकास्ट या एप्पल का एयरप्ले यूज करना चाहेंगे ऑफिसेज में या घर पे भी फोटोज वीडियो देखने के लिए, कई बार फैमिली बैठी रहती है। तो मैंने इसके साथ एप्पल का एयरप्ले भी यूज किया एंड एंड्रॉइड का मीराकास्ट भी। एंड पिक्चर क्वालिटी और स्मूथनेस आपके सामने है, बहुत कम आपको नोटिस होगा कि कभी फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। अदरवाइज रियल टाइम में आपको फोटोज, वीडियोस, डॉक्स, वर्ड फाइल सब कुछ इजीली, मतलब एकदम मक्खन तरीके से स्ट्रीम करके देता है। एंड हाँ, इसका जो ये रिमोट है नॉर्मल नहीं है, ये IR प्लस Wi-Fi बेस्ड है, यानी कि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ पॉइंट करके इसको यूज करना है। अगर आप इधर उधर भी यूज करोगे तो जीरो टाइपिंग एरर और कोई भी आपका शॉट मिस नहीं होगा, मतलब अगर आपने वॉल्यूम डाउन किया तो वॉल्यूम डाउन होगी चाहे गोली नीचे की तरफ चलाई है। काफी लोग USB वाले भी है, यानी कि पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव यूज करते हैं। एंड मैंने काफी सारे यहाँ पे Blu-ray या Dolby Vision वाले वीडियोस भी प्ले किए, प्लस 4K वीडियोस भी इजीली प्ले हो जा रहे थे, और जो नहीं प्ले हुए मैंने प्ले स्टोर पे गया, VLC डाउनलोड किया और वहां पे ये सारे वीडियोस को ये सपोर्ट कर रहा है। एंड यार 19,000 की प्राइसिंग में, यानी कि 18,999, एक रुपया तो बच रहा है अगर प्रीपेड ऑर्डर कर रहे हो, नहीं तो COD वाला तो एक रुपया भी ले जाता है। तो इस प्राइसिंग में इतनी सारी चीजें मिलना प्लस प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के साथ इज क्वाइट इंप्रेसिव। तो ये है PixPak Neo, जिसका रेगुलर प्राइस है 22,999, लेकिन फॉर यू प्रोमो कोड के साथ ये आपको 18,999 का पड़ेगा। तो इसका जो परचेज लिंक है और प्रोमो कोड दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लस कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन 1,000 rupees का एडवांस पेमेंट देना होगा फॉर ऑर्डर कंफर्मेशन, और प्रीपेड में तो पूरा चला ही जाएगा। और हाँ, 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिल रही है और एडिशनली 3 साल की लैंप पर, और बाकी मेरी अश्योरिटी है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो देख लेना। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग PixPak Neo। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।